कैप्टन विराट कोहली ने इसी शुक्रवार को T20 टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में उनके फैंस हैरत में पड़ गए हैं। वहीं अब सोशल मीडिया पर चर्चा जोरों पर है कि अब टीम इंडिया का T20 टीम का कैप्टन कौन रहेगा। इस लिस्ट में रोहित शर्मा का नाम सबसे पहले आता है। भारत के उपकप्तान रोहित शर्मा कप्तान की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इसी बीच टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर का बड़ा बयान सामने आया है। क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कहा है कि भारत को KL राहुल को भविष्य के कप्तान के रूप में तैयार करना चाहिए। वे चाहते हैं कि फिलहाल BCCI राहुल को भारत का उपकप्तान बनाए। कोहली का T20 कप्तान के रूप में रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है। उन्होंने कुल 45 मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की है और उनमें से 27 में टीम इंडिया को जीत हासिल हुई है। कोहली ने बताया कि T20 टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला उन्होंने अपने करीबी लोगों से राय लेकर ही लिया है। इसमें टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री और रोहित शर्मा भी शामिल थे। हालांकि विराट ने टेस्ट और वनडे टीम की कप्तानी जारी रखने का फैसला किया है।